हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का प्रीवियस वन का लेसन वन, आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। तो फिर ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी प्रीवियस वन की, फिफ्थ स्टैंडर्ड की। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको मैं जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स, मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज बाद में फिर कम्युनिटी पोल में डाल दूंगा। अगर आपको एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए तो भी वही मिल जाएगा। और दो तीन लेक्चर में हम लोग ये वाले लेसन कंप्लीट कर देंगे। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग हमारा फर्स्ट लेसन ईवीएस वन का चालू करते हैं। व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई इन क्लियर नाइट स्काई। वी कैन सी मैनी स्टार्स, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी ये वाले हम पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि अगर हम लोग जब ओपन ग्राउंड से स्काई की तरफ देखेंगे तो फिर हमें क्या दिखेगा, हमें जो स्टार्स दिखेंगे वो स्टार्स कहाँ पे रहते हैं, हमारे अर्थ के बहुत दूर रहते हैं वो स्टार्स हमें दिखेंगे। अगर हम लोग क्लियर नाइट स्काई यानी जब जैसे मॉनसून में ज़्यादा क्लियर नहीं रहता स्काई, क्योंकि वहाँ पे बोलता है ना बादल में बहुत पानी भर जाता है, उसकी वजह से हम लोग देख नहीं सकते क्लियर स्काई, हमें स्टार्स अच्छे से नहीं दिख पाते। इसलिए हमें क्लियर नाइट स्काई में वो ज़्यादातर गांव की साइड, वो भी समर में हमें दिखेगा एकदम क्लियर नाइट स्काई, तभी हम लोग क्या देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं जो कि हमारे अर्थ के बहुत दूर है। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। इफ वी लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। अभी कुछ स्टार्स क्या रहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, प्रोमिनेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, और कुछ बहुत ही छोटे से और थोड़े फेंट यानी जो क्लियर नहीं रहते, नॉट क्लियर उन्हें बोलते हैं फेंट। मतलब हमें कुछ स्टार्स प्रोमिनेंट दिखते हैं यानी इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ स्टार्स छोटे रहते हैं और क्लियर नहीं दिखते। अगर हम लोग उनको अच्छे से देखेंगे तो फिर उनमें से कुछ ट्विंकल करेंगे और कुछ ट्विंकल नहीं करेंगे। द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू अर्थ सो वी कैन सी देयर राउंड शेप क्लियरली। द सन, द मून, द स्टार, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज। अगर हम लोग सन और मून को देखेंगे तो फिर हमें लगता है वो कंपैरेटिवली क्लोज है यानी ज़्यादा बाकी के प्लैनेट से ज़्यादा क्लोज है। सन वैसे भी दूर रहेगा पर मून जो कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, या बोलोगे सैटेलाइट तो वो रहता है ना जिससे हमें टेलीविजन पे कुछ सब कुछ दिखता है, मतलब पिक्चर्स हम लोग लिए करते हैं हमारे स्पेस की, वो हम लोग उसको सैटेलाइट बोलते हैं। पर सैटेलाइट का एक अलग मीनिंग भी है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि सन दूर है, अर्थ से सन दूर है पर मून पास में है, इसलिए बाकी के प्लैनेट से मून पास है, सन थोड़ा सा दूर रहेगा। और जो सन, मून, स्टार्स और बाकी के जो प्लैनेट्स है और हमारा प्यारा सा अर्थ है, वो सारे क्या है, हेवनली बॉडीज है। ट्राई दिस, ऑब्जर्व द स्काई ऑन टू क्लियर नाइट्स, कीप गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन देम, बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज वेदर दे ट्विंकल, देयर कलर एंड साइज changes in their position on both nights, draw a picture of illuminated portion of moon and note how it changes from day to day. अभी हमें प्राइडिस में क्या बताया जा रहा है कि हमें दो क्लियर नाइट्स देखनी है और उनके बीच में एक हफ्ते का गैप देखना है। ये एक टाइप की एक्टिविटी है, आप वो करो तो फिर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमें इन फॉलोइंग पॉइंट्स को देखना है, ऑब्जर्वेशंस करने इन फॉलोइंग पॉइंट्स की, जैसे कि वो हेवनली बॉडी की ब्राइटनेस कितनी है, ज़्यादा है, कम है या फिर है ही नहीं, क्या वो ट्विंकल कर रहा है
उसका कलर और साइज क्या है, और 2 हफ्ते मतलब दो एक हफ्ते के बीच का गैप है ना, मतलब एक दिन रहेगा उसका पोजीशन चेंज और दूसरे दिन उसका पोजीशन चेंज रह सकता है, फिर तो उनके पोजीशन के चेंजेस देखने हैं। और दोनों नाइट्स में हमें ये फाइंड आउट करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करना है, और उसके अंदर हमारा जो मून है उसका आधा पोर्शन कैसा है, मतलब पूरा है वो मून या फिर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, और वो चेंजेस हमें डे टू डे नोट करने हैं। आपको पता है ना कि मून कट होता रहता है, जैसे आज ऐसा रहेगा फुल रहेगा, तो दूसरे दिन थोड़ा सा इतना कट रहेगा, तीसरे दिन और कट रहेगा, एक दिन हाफ होगा, एक दिन दिखेगा ही नहीं। तो फिर वो वीक के गैप में हमें देखना है कि मून देखना है कि मून कैसा है, और कुछ स्टार समझ लो आज फर्स्ट फर्स्ट डे स्टार है, एक वीक बाद हमें वो स्टार कहाँ पे दिखेगा, ये अभी थोड़ा ये साइड है बॉक्स के, अभी वो स्टार हमें एक तो ये साइड दिख सकता है एकदम कॉर्नर में, एक तो कॉर्नर, समझ में आया। और उनके कलर और साइज, मतलब कुछ स्टार्स बड़े रहते हैं और ट्विंकल, क्या कुछ स्टार ट्विंकल करते हैं कुछ नहीं करते, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। और उन हेवनली बॉडीज की ब्राइटनेस भी हमें चेक करनी है। स्टार्स, द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। हेवनली बॉडीज, अभी हमने पढ़ी ना हेवनली बॉडीज, स्टार्स प्लैनेट्स, वो क्या है हमारी मून, वो क्या है हमारी हेवनली बॉडीज है। तो वी हेवनली बॉडीज जो ट्विंकल करती है उनको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। सन इज अ स्टार, सन क्या है, एक स्टार है, वो हमारे हमसे क्लोजर है बाकी के स्टार्स को छोड़ के, बाकी के जो स्टार्स है वो हमसे बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर, पर सन ही एक ऐसा स्टार है जो हमारे हमसे बहुत ही पास है, वो बिग और ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यानी हैविंग लॉट ऑफ लाइट या फिर वेरी ब्राइट, उसे बोलते हैं ब्रिलियंट, वो बहुत बड़ा और बहुत उसके पास लाइट बहुत ज्यादा है, उसकी ज्यादा लाइट के कारण हमें दिन में बाकी के स्टार्स, आप देखते होंगे कि नाइट में बहुत स्टार्स दिखते हैं पर डे में सब गायब, क्योंकि जो हमारे सन है उसकी लाइट की वजह से बाकी के स्टार्स हमें नहीं दिख पाते। प्लैनेट्स, अभी हम लोग प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जो हेवनली बॉडीज हमने अभी देख लिया, जो हेवनली बॉडीज ट्विंकल करते हैं उसे बोलते हैं स्टार्स, पर जो ट्विंकल नहीं करते उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लैनेट्स बोलेंगे। प्लैनेट्स के पास उनकी लाइट नहीं होती, अभी स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स के पास नहीं होती। आपको ऐसे अपोजिट में अगर याद रख लोगे तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। प्लैनेट को लाइट कहाँ से मिलती है, स्टार्स से मिलती है। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द स्टार्स इवन दे एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। हमें पता है कि अर्थ खुद को भी रोटेट करता है और सन को भी रोटेट करता है, मतलब चक्कर लगाता है सन का भी और अब खुद का भी, मतलब प्लैनेट्स खुद का और स्टार का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये सन, सन क्या है, एक स्टार है। सोलर सिस्टम, आवर अर्थ इज अ प्लैनेट। हमारा अर्थ क्या है, प्लैनेट है। उसे कहाँ से रोशनी मिलती है, सन से, जो कि स्टार है। अभी हमने क्या देखा, प्लैनेट्स क्या है जो ट्विंकल नहीं करते, और स्टार्स क्या है जो ट्विंकल करते हैं, और स्टार्स के पास लाइट होती है और प्लैनेट्स को लाइट देते हैं, वैसे ही सन एक क्या है, स्टार है, और अर्थ हमारा प्लैनेट है। तो फिर अर्थ को कहाँ से रोशनी मिलती है, सन से मिलती है, सन क्या है, स्टार है, ये अच्छे से याद रखना है। द मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अभी हमें रोटेशन रिवॉल्यूशन बहुत बार सुना होगा, किसने नहीं सुना होगा तो फिर बता देता हूँ। जब अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी हमारा अर्थ जब सन के अराउंड एक रोटेशन लेगा, मतलब पूरा चक्कर घूम कर आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। अगर अर्थ अपने ही आपको ऐसे गोल गोल भी घूमता है, आपको पता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं।
बिसाइड्स अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारे अर्थ के अलावा और 7 प्लैनेट हैं जो कि सन को चक्कर लगाते हैं। उनका नाम है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एवरी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ। जो हमारा प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स है अर्थ के अलावा 7, यानी टोटल 8 प्लैनेट्स है। वो किसके किसका चक्कर लगाते हैं, किसको रिवॉल्व करते हैं, अर्थ को रिवॉल्व करते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक पाथ पे। आपको यहाँ पे दिखेगा पाथ, ये अर्थ का पाथ, ये वीनस का, ये मर्क्यूरी का, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये आपको पाथ दिख रहे हैं। ये इमेजिनरी है, पर स्पेस में ऐसे ड्रॉ नहीं किए गए, ये इमेजिनरी ड्रॉ किए हुए हैं। मतलब ऐसे इसी पाथ में वो लोग चक्कर लगाते हैं। दिस पाथ इज नोन एज प्लैनेट्स ऑर्बिट। और जो ये पाथ्स है उन्हें बोलते हैं प्लैनेट का ऑर्बिट। अब लोग हम लोग ऐसे थोड़ी बोले अर्थ का पाथ है, हम लोग बोलेंगे ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये वीनस का ऑर्बिट है, ये मर्क्यूरी का ऑर्बिट है। द सन विच इज अ स्टार एंड द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टूगेदर कॉल्ड सोलर सिस्टम। Besides the planet, the solar system also include various other heavenly bodies. अभी हम लोग इस पिक्चर में क्या क्या देख सकते हैं कि सन है, कुछ प्लैनेट्स है, कुछ एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स यानी चट्टाने जो कि स्पेस में, और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स है। आगे का नहीं दिखा रहा, पर ज्यादातर हम लोग प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करते हैं। मतलब इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं, हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। यानी द सन द प्लैनेट्स आर टुगेदर कॉल्ड एज सोलर सिस्टम। इसके अंदर सिर्फ हमें अर्थ की सैटेलाइट यानी मून दिखाया गया है, बाकी के नहीं दिखाया, वरना बहुत सारे मून है जुपिटर के, सैटर्न के, बाकी के अदर प्लैनेट्स के। इधर तक हम लोग आज स्टॉप करेंगे, अगला लेक्चर हम लोग आगे का पढ़ेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। स्टार्स क्या है, प्रोमिनेंट है, ओके। हेवनली बॉडीज कौन सी है, द अर्थ, द मून, द सन, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा, ओके। द स्टार्स, स्टार्स क्या होती है, हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल, और उनके पास अपनी ओन लाइट होती है। एग्जाम्पल सन। सन क्या है, क्लोजर है बाकी के स्टार्स से, हमसे सन ज्यादा क्लोजर है, बाकी के स्टार्स क्या है, दूर है। सन क्या है, बड़ा और ब्रिलियंट है, वो उसके पास ब्राइट लाइट है, उसकी ब्राइट लाइट के कारण हमें नहीं दिखते डे टाइम पे, बाकी के स्टार्स नहीं दिखते। बाकी के प्लैनेट्स किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, स्टार्स के। मतलब हमारे जो 8 प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सोलर सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखेंगे, प्लैनेट्स देखेंगे एंड सन देखेंगे। सन हमें ऑर्बिट मतलब क्या होता है, जो पाथ है, पाथ जो जिसके जो रिवॉल्वेशन का पाथ होता है कौन से भी प्लैनेट का, उसे हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको इसके इम्पोर्टेंट नोट्स, मीनिंग्स और एक्सरसाइज एक अलग वीडियो में मिलेगी, पर जो इसके मीनिंग्स और इम्पोर्टेंट नोट्स है मैं आपको कम्युनिटी पोल पे लेसन खत्म होने के बाद सब कुछ सेंड कर दूंगा। तो फिर टिल देन हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, अगला वीडियो जल्दी आएगा। बाय।